लाहौर के पोश इलाकों में भी भूख और अफलास की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट कर रही हैं दुआ मिर्जा। एक आस है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, इनका कसूर क्या है? ये कौम के मामार हुकूमत की बेहिसी का सवाल करते हैं। ये बच्चे उबले हुए मुर्गी के पंजे खा रहे हैं, ये देखें तपती जमीन पर सोए हुए बच्चे। जी हाँ, ये लाहौर का इलाका शादमान है। ये बच्चे गंदे नाले पर पैदा हुए और आवारा कुत्तों के साथ यहीं पर पड़े हुए हैं। हमारा माँ बाप भी थे, मार खा पकाने माँ बाप भी थे जाम पर। भूख और अफलास के सामने हथियार डालते हुए ये अम्मा मांग के आज आटा लाई है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आप यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर कुत्ते भी हैं, जरासीम भी हैं, मक्खियाँ भी हैं, और आप यहाँ पर बैठ के आटा गूंद रही। सब कुछ ही जरा सही नहीं चल रही, बच्चे बीमार भी हो जाते। हुकूमत वक्त के लिए ये बच्चे लम्हा फिक्रिया हैं, क्योंकि इन्होंने ही बड़े होकर कौम का मुस्तकबिल बनना है। दुआ मिर्जा, जी न्यूज़, लाहौर।